200 द्वापर युग या महाभारत काल के समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप पांडव पुत्र अर्जुन का ही नाम लेंगे, परंतु मैं आपसे कहूं कि ऐसा नहीं है तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कौन है। उस धनुर्धर का नाम एकलव्य है। जी हाँ, एकलव्य। पर गुरु द्रोण से मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया? आखिर क्यों वो महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हो पाया? इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 200 महाभारत पुराण के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पहले एकलव्य का जन्म श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के यहाँ हुआ था, जिसका बचपन में नाम अभिद्युम्न था। लोग उन्हें अभय के नाम से भी बुलाते थे। वो बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि और हर कार्य में निपुण बालक था। हालांकि इससे अलग हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा का ही पुत्र था, परंतु जैसे ही उसका जन्म हुआ तो ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि ये तुम्हारे कुल का नाश करेगा और सभी के लिए अभिशाप बनेगा। इसलिए एकलव्य के पिता उसे जंगल में छोड़ आए। फिर जंगल में उसे भील जाति के हिरण्यधनु ने अपना दत्तक पुत्र बना लिया, जिससे सिद्ध होता है कि एकलव्य क्षत्रिय वंश का ही था। कुशाग्र बुद्धि का अभिद्युम्न जब 5 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि पुलक के पास जाता है तो उसकी तत्परता और अद्भुत क्षमताओं को देखकर ही इस बालक को अभिद्युम्न से एकलव्य नाम दिया गया। एकलव्य बचपन से ही धनुर्धर बनना चाहता था और उसमें वो प्रतिभा भी थी कि वो श्रेष्ठ धनुर्धर बन सके। ऋषि पुलक ने जब एकलव्य की धनुष विद्या के प्रति एकाग्रता देखी तो उन्होंने निषादराज को बुलाकर कहा कि आपके पुत्र एकलव्य में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने के सारे गुण हैं। बस इसके लिए एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। ऋषि पुलक की बात सुनकर निषादराज एकलव्य को उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए और उनसे प्रार्थना की कि वो एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान करें। परंतु गुरु द्रोण ये कहते हुए मना कर देते हैं कि इस समय वो केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा दे सकते हैं और कहते हैं कि मेरा धर्म और कर्म केवल क्षत्रिय जाति के बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करना है। ये सब सुनकर एकलव्य बहुत दुखी होता है, परंतु वो मन ही मन गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका होता है, जिससे वो निश्चय कर लेता है कि गुरु द्रोण उसे सामने से शिक्षा दे या ना दे, फिर भी वो उनके आशीर्वाद से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाएगा। इस प्रकार गुरु द्रोण की ना सुनने के बाद भी एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम के पास ही अपनी कुटिया बना लेता है और उनकी प्रतिमा बनाकर उसी के सामने रोज स्वयं से अभ्यास करने लगता है। दोस्तों, ऐसे एकलव्य अपनी लगन से बिना किसी साक्षात गुरु के धनुर्विद्या में निपुण हो जाता है। लेकिन एक बार अचानक ऐसा कुछ घटित होता है जिससे एकलव्य की जिंदगी ही बदल जाती है। गुरु द्रोण जब पांडव और कौरवों को एक बार वन में अभ्यास करा रहे होते हैं तभी उन्हें आसपास एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, पर अचानक से उस श्वान अर्थात कुत्ते की आवाज बंद हो जाती है, जिससे सभी उसके भौंकने की आवाज की दिशा में निकल पड़ते हैं। राजपुत्र वहां पहुंचते ही देखते हैं कि उस कुत्ते का मुंह एक साथ 7 तीरों से बंद होता है, लेकिन उसके मुंह से ना तो रक्त की एक बूंद निकलती है और ना ही उस कुत्ते की जान जाती है। ये घटना देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये काम आखिर किसने किया। तभी एकलव्य वहां आता है और गुरु द्रोण उससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी श्रेष्ठ विद्या का ज्ञान किसने दिया है, मैं तुम्हारे गुरु का नाम जानना चाहता हूँ। ये सब सुनकर एकलव्य मुस्कुराते हुए गुरु द्रोण से कहता है कि मेरे गुरु का नाम गुरु द्रोण है, जो कि आप ही हैं। फिर एकलव्य उन्हें याद दिलाता है कि कुछ समय पहले मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, परंतु आपने मेरी जाति देखकर मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था। आप ही नहीं बल्कि आपके सभी शिष्य, जिसमें अर्जुन भी शामिल था, इन्होंने भी मेरा अपमान कर भगा दिया था। फिर मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपकी मूर्ति को ही गुरु समझकर यहाँ नित्य अभ्यास किया। आपके आशीर्वाद से आज मैं इस कला में निपुण हो चुका हूँ। दोस्तों, एकलव्य की ये बातें सुनकर गुरु द्रोण का मन द्रवित हो उठता है और वो एकलव्य को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि जब राजा ध्रुपद ने उनका अपमान किया था तो अर्जुन ने किस प्रकार उनकी सहायता की थी और ध्रुपद को उनके घुटनों में लाकर रख दिया था।
जिससे खुश होकर गुरु द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। लेकिन आज जब उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या को देखा तो वो समझ गए कि एकलव्य के रहते अर्जुन कभी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जिससे एकलव्य कभी भी धनुर्विद्या में पारंगत नहीं हो पाएगा। अपने वचन से मजबूर गुरु द्रोण एकलव्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने मेरे द्वारा शिक्षा हासिल की है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जब एक शिष्य अपने गुरु से शिक्षा हासिल करता है तो इसके बदले में शिष्य को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। ये सब सुनकर एकलव्य बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए ये गर्व की बात होगी कि आपने मुझे अपना शिष्य माना और गुरु दक्षिणा देने का मुझे अवसर दिया। गुरु द्रोण कहते हैं कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये जानते हुए भी कि बिना अंगूठे के वो अच्छे से धनुष नहीं चला पाएगा, न ही कभी श्रेष्ठ धनुर्धर बन पाएगा, फिर भी एकलव्य तुरंत ही हंसते हंसते अपने अंगूठे को चाकू से काट कर उनके चरणों में समर्पित कर देता है। दोस्तों, इस प्रकार के एकलव्य जैसे शिष्य किसी भी गुरु को अपने भाग्य से ही मिलते हैं, जो अपने गुरु के एक बार कहने पर ही अपने संपूर्ण जीवन को ही न्यौछावर कर दे। फिर एकलव्य वन से आने के बाद श्रृंगवेरपुर में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और बिना अंगूठे के चारों उंगलियों के सहारे ही धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहता है। पिता हिरण्यधनु अपने निषाद मित्र की पुत्री सुनीता से एकलव्य का विवाह करवा देते हैं, जिसके साथ एकलव्य अपना जीवन व्यतीत करता है। हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद एकलव्य निषाद राज बनकर राज्य को संभालता है। उस समय बड़ी आशंकाओं वाली स्थिति चलती थी। कोई भी देश किसी भी समय एक दूसरे पर आक्रमण कर सकते थे। ऐसे समय में एकलव्य ने अपने राज्य की सेना व नौसेना को गठित किया, साथ ही अपने राज्य की रक्षा के साथ साथ आसपास के देशों तक राज्य का विस्तार भी किया। समय व्यतीत होने के बाद एकलव्य की मगध नरेश जरासंध से मित्रता होती है। जरासंध जो कि श्री कृष्ण का शत्रु था और उन पर हमला करता रहता था, इसलिए अब एकलव्य भी श्री कृष्ण के विपक्ष में खड़ा हो गया था। परंतु जब श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया तो सभी निषाद और निषाद राज आग बबूला हो गए। एकलव्य अब अपने राजा की मौत का बदला लेना चाहता था। इसी नियत से उसने भगवान कृष्ण के प्राचीन साम्राज्य द्वारिका पर हमला किया और सभी यादवों को मारने लगा। श्री कृष्ण देखते हैं कि एकलव्य अपने दाहिने हाथ की चारों उंगलियों की सहायता से बड़ी ही आसानी से सभी यादवों का नाश करते जा रहा है। श्री कृष्ण सोचते हैं कि अगर एकलव्य ऐसे ही बाणों की वर्षा करता रहा तो महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए एकलव्य का वध अभी ही करना होगा। फिर श्री कृष्ण एकलव्य से युद्ध करने निकल पड़ते हैं और ये युद्ध बहुत समय तक चलता रहता है। अंत में श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध कर देते हैं। महाभारत के समय श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने ही एकलव्य को मारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारी भलाई और समाज के कल्याण के लिए निषाद का पुत्र, जिससे गुरु द्रोण ने छल करके उसका अंगूठा मांग लिया, जिसे हराना मुश्किल था, जो दिन रात बिना रुके तीरों की वर्षा कर सकता था, हे पार्थ, अंगूठे से वंचित एकलव्य देवताओं, दानवों, राक्षसों के एक साथ आ जाने पर युद्ध में पराजित होने में असमर्थ था। तुम्हारे भले के लिए वो युद्ध के मैदान में मेरे द्वारा मारा गया। इस तरह एकलव्य ने बिना गुरु के भी एक महान शिष्य बनकर और एक कुशल योद्धा बनकर ये साबित किया कि जाति कोई भी हो, लगन और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सदियों से एकलव्य के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में रहने वाले भील और भील समुदाय के धनुर्धर लोग आज भी तीर चलाते समय अंगूठे का उपयोग नहीं करते हैं। और हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह एकलव्य को समर्पित है। दोस्तों, एकलव्य के बारे में हमने सभी जानकारी आपको दी है, परंतु उनका एक पुत्र भी था जो महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। क्या आप उसका नाम जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।